एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आज के दिन का यहाँ पर दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस आयरलैंड वुमेन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टॉप पर पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में। 10:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। शाम को मैच खेला जाएगा न्यूलैंड्स कैप टाउन में। और ये जो विकेट है, देखो स्पिनर्स को मदद है यहाँ पर और बैटर्स को भी मदद है, तो ध्यान रखना दोनों को यहाँ पर मदद है। एवरेज स्कोर 130-150 बनता है। चार मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, चार जीते हैं, चार जो मैच हुए ना इन दोनों टीमों के बीच में, चारों के चारों वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीते हैं। और इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो चुके हैं 6 मैचेस, 3 जीते हैं बैटिंग फास्ट करने वाली टीम ने, 3 में 6 हुआ है। मतलब टॉस का यहाँ पर इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। और जो 6 मैचेस यहाँ पर अब तक हुए उसमें फास्ट को 10 विकेट, स्पिनर्स को 12 विकेट है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में फास्ट को 13 विकेट, स्पिनर्स को 15 विकेट है। मतलब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पिनर्स से विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ पर विकेट्स मिल रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं आयरलैंड की टीम की। आयरलैंड की टीम ने यहाँ पर 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों के दोनों मुकाबले हारे हैं। ओपन करेंगे यहाँ से एमी हंटर और गेबी लेविस। एमी हंटर पहले मैच में 15, दूसरे में 6 है। टी20 करियर में 15 मैच में 237, 19 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 21-5, 26-15, 6 है। विकेट कीपिंग सक्सेस है, ठीक ठाक चॉइस है, चाहो तो पिक कर लेना। गेबी लेविस अच्छी प्लेयर है वैसे तो, 36-10 किया है। हेड टू हेड में 3 मैच में 19 रन है। ओवरऑल करियर में 66 मैच में 1487 रन, 26 का एवरेज है। ओरला प्रेंडरगेस्ट, ये आपको वन डाउन बैटिंग साथ के साथ बॉलिंग देंगी। पहले में 17-1 विकेट, दूसरे में 31-0 विकेट है 3 ओवर डाल के। करियर में 32 मैच में 528-18 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 7 रन 0 विकेट, 26-2 विकेट, 17-1 विकेट और 31-0 विकेट है। तो बढ़िया प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। लॉरेन डिलानी टीम के कप्तान, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, करियर में 87 मैच में 965 रन, 56 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 21-3 विकेट, 32-0 विकेट, 12-0 विकेट, 8-1 विकेट है। और यहाँ पर देखो 12-0 विकेट है 1 ओवर डाल के पहले मैच में, 8 रन 1 विकेट है 3 ओवर डाल के दूसरे मैच में। इमेर रिचर्डसन पहले में 0 रन 0 विकेट है 2 ओवर डाल के, दूसरे में 28 रन 0 विकेट है 2 ओवर डाल के। हेड टू हेड में 1 मैच में 14 रन 14 का एवरेज है। करियर में 64 मैच में 638 रन 56 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 4-1 विकेट, 9-0 विकेट, 0-0 विकेट, 28-0 विकेट है। लुइस लिटल आएंगे यहाँ पर, हेड टू हेड में 3 मैच में 3 रन 0 विकेट है। और यहाँ पर देखो 8 और 3, उतना खास रिकॉर्ड इनका नहीं रहा है। मेरी ऑलराउंड 5 और 1 है, सिर्फ विकेट कीपिंग करेंगी और बहुत नीचे बैटिंग करती है तो उतनी इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं। ली पॉल ये आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली अगर आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और सामने वाली टीम में ना राइट हैंडर बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, ये अच्छी बॉलर है, पहले मैच में विकेट ले, दूसरे में 4 रन 1 विकेट है, 32 मैच में 178-22 विकेट करियर का रिकॉर्ड है। आर्लेन केली पहले में 1 विकेट, दूसरे में 2 विकेट है, आपने इनको सुपर स्मैश में खेलता हुआ देखा होगा, बहुत अच्छी बॉलर है। करियर में 18 मैच में 24 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 30-0 विकेट, 9-1 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट है। कार्ल मुल्ले लेग ब्रेक बॉलर, पहले में 3 विकेट, दूसरे में विकेट लेस थी, 28 मैच में 28 रन 20 विकेट है करियर में। और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट है। जैन मैगरी आएंगे यहाँ पर, करियर में 14 मैच में 10 विकेट है, पहले मैच में 1 ओवर में विकेट लेस, दूसरे में 2 ओवर में विकेट लेस थी। तो यहाँ से आप पिक किसको कर सकते हो, आप यहाँ से रख सकते हो गेबी लेविस, ओरला प्रेंडरगेस्ट, लॉरी डिलानी, इमेर रिचर्डसन और नीचे से यहाँ पर ली पॉल और आर्लेन केली। सी मुर्रे भी भाई अच्छी बॉलर है लेकिन हर मैच में चलेगी ऐसी मेरे को ये बॉलर लगती नहीं है। बाकी बेंच पर 4 प्लेयर हैं, इनमें से कोई खेलती है स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे ओरला प्रेंडरगेस्ट, जैन मैगरी, ली पॉल। डेथ के ओवर डालेंगे आर्लेन केली, ली पॉल, इमेर रिचर्डसन। बात करूंगा वेस्ट इंडीज़ की टीम की, दोनों मुकाबले हारी जरूर है लेकिन अच्छी टीम के सामने हारी है। और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है आयरलैंड से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैली मैथ्यू और स्टेफनी टेलर ओपन करेंगे। हैली मैथ्यू पहले में 42-0 विकेट, दूसरे में 2 रन 1 विकेट है। दूसरे मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग करवाई थी। हेड टू हेड में आप रिकॉर्ड देखो, आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच में 143 रन, 71 का एवरेज और 0 विकेट है, शानदार रिकॉर्ड है इनका, मस्ट पिक होने वाली है। स्टेफनी टेलर पहले में जल्दी आउट हुई, दूसरे में 42 की अच्छी नॉक थी और आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है। 4 मैच 167-83 का एवरेज, 2 विकेट है। यहाँ से सेमेनी कैंपेबल 34-30 अच्छी नॉक खेली है इसने और अच्छी फॉर्म में लग भी रही है। 3 मैच में 39 रन है, 19 का एवरेज है।
सी हेनरी पहले में 14 2 विकेट, दूसरे में 2 1 विकेट है, मतलब बैटिंग भी करेंगी साथ के साथ अपने 4 ओवर भी डाल सकती हैं। हेड टू हेड में एक मैच में 9 रन 2 विकेट है। सी नेशन थोड़ी नीचे आएंगी, 9 नॉट आउट और 21 रन है, हेड टू हेड में 4 मैच में 67 2 विकेट है। सभी का गजनबी पहले में 2 रन, दूसरे में 15 रन 0 विकेट है। बॉलिंग इनको उतनी ज़्यादा मली नहीं है, करियर में यहाँ पर 21 मैच में 147 3 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 33 0 विकेट 12 0 विकेट 3 रन और 15 रन 0 विकेट है। एफी फ्लेचर एक बहुत अच्छे लेवल की बॉलर है और आज के मैच में ट्रंप रहेंगी, 10 1 विकेट है पहले में, दूसरे में 0 0 विकेट है, हेड टू हेड में 3 मैच में 6 विकेट है, मस्ट पिक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रसादा विलियम्स विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी, लास्ट मैच में बहुत नीचे बैटिंग करने आई थी, 9 बैटिंग और 2 नॉट आउट है, करियर में 14 मैच में 125 1 विकेट है। यहाँ से आएंगी सकेरा सेलमन, पहले में 2 ओवर में विकेट लेस, दूसरे में भी 2 ओवर में विकेट लेस है, हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट, खास रिकॉर्ड नहीं है। समीला कोनेल आएंगी, पहले में 2 ओवर में विकेट लेस, दूसरे में 3 ओवर में विकेट लेस, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है। कृष्णा राम हेरेक अच्छी बॉलर है, पहला मैच खेलेंगी, दूसरे में 2 विकेट थे, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। तो यहाँ से आप किसको रख सकते हो टीम में, यहाँ से रख सकते हो हेली मैथ्यू, स्टेफनी टैलेंस है, यहाँ से सेमेनी कैंपेबल, सी हेनरी, इनके अलावा एफी फ्लेचर, ट्रंप और उसके अलावा कृष्णा राम हेरेक। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे कोनेल, हेनरी, मैथ्यू, राम हेरेक, डेथ के ओवर डालेंगे कोनेल, हेनरी और गजनबी। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है एमी हंटर को, बैटिंग सेक्शन से रखा है स्टेफनी टेलर, गैबी लेविस, एस कैंपेबल, और ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है लोरे डिलानी, ओ प्रेंडर गेस्ट, हैली मैथ्यू, सी हेनरी, बॉलिंग सेक्शन से रखा है आर्लन केली, एफी फ्लेचर, कृष्णा राम हेरेक, कैप्टन मेरी यहाँ से हैली मैथ्यू, वॉइस कैप्टन मेरी यहाँ से एस टेलर है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।